गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास थर्ड सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर लेसन थ्री। कल की वीडियो में अपन ने मात्रा, शब्द, वाक्य इनके बारे में पढ़े थे। आज अपन एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर रोंग का निशान लगाइए। सही कथन पर किसका लगाना है? राइट का। और गलत कथन पर रोंग का निशान लगाना है। जैसे ए स्वर की भी मात्रा होती है। ए स्वर 11 होते हैं जिसमें ए भी होता है। ऐ स्वर की भी मात्रा होती है? नहीं होती। इसमें क्या दे रखा है? ऐ स्वर की भी मात्रा होती है, तो क्या आएगा? रोंग, क्योंकि ऐ स्वर की मात्रा ही नहीं होती। ऐ तो क्या काम आता है? जैसे व्यंजन होता है उसमें हलंत लगा होता है, तो ए मिलाने से पूर्ण व्यंजन बन जाता है। देखो सेकंड, रे में ऊ तथा ऊ की मात्रा बीच में लगाई जाती है। राइट, क्योंकि रे में ऊ और ऊ की मात्रा बीच में ही लगाई जाती है। री की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है। रोंग, री की मात्रा कहाँ लगती है? व्यंजन के नीचे। कहाँ लगती है री की मात्रा? व्यंजन के नीचे लगती है। ए को छोड़कर सभी स्वरों के मात्रा चिन्ह होते हैं। हाँ राइट है, क्योंकि ए को छोड़कर सभी स्वरों में मात्रा चिन्ह होते हैं ना, तो क्या आएगा? राइट का निशान। देखो त प्लस ई, त प्लस ए, ल प्लस ई में मात्राओं का सही रूप है। त प्लस ई क्या बना? ती। त प्लस ए क्या बना? त। ल प्लस ई क्या बना? ली। तो सेंटेंस क्या बन रहा है? तितली। तो मात्रा का सही रूप हुआ ना, तो क्या आएगा? राइट। एस स्वर की भी मात्रा होती है? रोंग, क्योंकि एस स्वर में मात्रा नहीं होती। रे में ऊ तथा ऊ की मात्रा बीच में लगाई जाती है। राइट। री की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है? रोंग, क्योंकि नीचे लगती है। ए को छोड़कर सभी स्वरों के मात्रा चिन्ह होते हैं। राइट। त ई, त ए, ल ई में मात्राओं का सही रूप है। राइट, क्योंकि इनको मिलाने से क्या बन रहा है? तितली। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, व्यंजनों के साथ दिए गए स्वरों की मात्रा लगाकर दो दो शब्द बनाओ। कह है उसमें किसकी मात्रा लगानी है? आ की। किसकी लगानी है? आ की। क्या बनेगा? काका। एक शब्द क्या बन गया? काका। सेकंड शब्द काला। क्या बना? काला। फिर देखो रे में किसकी मात्रा लगानी है? ऊ की। किसकी लगानी है? रू की। जैसे रुपया। क्या? रुपया। रुई। फिर देखो क में री की मात्रा लगानी है? कृपा। क्या बना? कृपा। कैसक। फिर क्या लगानी है? क में ई की मात्रा लगानी है? किताब। किसान। र में ऊ की मात्रा लगाओगे तो क्या बनेगा? रुमाल। रूप। बे में एक ही मात्रा लगानी है? बेला। बेलन। देखो कै में आ की मात्रा लगाएंगे तो कौन कौन से शब्द बनेंगे? काका, काला। रे में ऊ की मात्रा में लगाएंगे तो रुपया, रुई। कै में री की मात्रा लगाएंगे? कृपा, कृषक। कै में ई की मात्रा लगाएंगे तो किताब, किसान। रू में रे में ऊ की मात्रा लगाएंगे तो रुमाल, रूप। बे में एक ही मात्रा लगाएंगे तो बेला, बेलन। फिर देखो रे के मात्रा चिन्ह लगाकर चार चार शब्द बनाएंगे। रे में अब देखो ये रे काम लगाओ है, सिरोरेगा के ऊपर लगाओ है ना, तो ऐसे ही रे के कितने शब्द बनाने? चार। जैसे फर्स्ट हो गया उर्स, उर्स हो गया, ग्रव हो गया, सूर्य हो गया, ठीक है, पर्वत हो गया, क्रम। क्रम से देखो, क्रम से चक्र हो गया। क्या हो गया? चक्र हो गया, ग्रह हो गया। उसी प्रकार ट्रक का देखो, राष्ट्र हो गया। क्या हो गया? राष्ट्र हो गया, राष्ट्र हो गया, ड्रम हो गया, ड्रम हो गया, ग्रह हो, इसमें तो ग्रह हो गया ही, ट्रेन हो गई,
ठीक है। और ऐसी एक्सरसाइज आपको, अगर आपके पास बुक है तो बुक में फील करना है, नहीं तो नोटबुक में राइट करना है और लर्न करना है। थैंक यू।